आज हम नियम साधना की एक और अंग स्वाध्याय को समझेंगे। कोई भी जटिल आध्यात्मिक तत्व को पूरी तरह से समझने का नाम ही स्वाध्याय है। प्राचीन काल में ऐसे ही ऋषियों के आश्रम में हर दिन स्वाध्याय किया जाता था, परंतु समय के साथ साथ काल के कुटिल गति में स्वाध्याय अपना महत्व खो दिया है। अब बिना अर्थ को समझे शास्त्र पाठ करना ही स्वाध्याय है। वर्तमान धर्म गुरुओं ने ये कह दिया है कि इस पुस्तक को पाठ करने से ये लाभ होगा, और अगर पुस्तक पाठ करने की समय ना मिले तो उस पुस्तक पर 3 बार माथा टेकने से सब कुछ हो जाएगा। अगर कृष्ण नाम सुनने की या समझने की समय ना मिले तो देवताओं को कुछ नैवेद्य चढ़ा दो, जो कुछ होने का है हो जाएगा। स्वाध्याय की अर्थ है शब्दों में छुपा हुआ अर्थ को समझ लेना। लौकिक अर्थ को मानने के कारण सच्चाई छुप गया है, जिसके फलस्वरूप शैव और वैष्णव साधना में प्रबल गिरावट आया था, और साधारण मनुष्य की धर्म बोध में भी। जैसे पंच साधना की एक अंग है मांस साधना, मांस शब्द की अर्थ है जीवा, इसीलिए मांस साधना की अर्थ है जीवा को नियंत्रित करना। परंतु आज की लौकिक धर्म गुरुओं ने मांस साधना के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या कर दी है। कितना लोग खाना खाएगा इसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना बकरिया का बलि चढ़ेगा। जगत जननी की एक पुत्र की हत्या करके दूसरे पुत्र की साधना कैसे संभव है? शास्त्र में लिखा गया हर एक शब्द की अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हर एक वाक्य की भाव को समझना जरूरी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि सौंडित सुरालयं गच्छति, तो यह सुरालय की अर्थ है शराब खाना, और अगर कहते हैं कि नारद सुरालयं गच्छति, तो यह सुरालय का अर्थ है सुरों की आलय यानी स्वर्ग। क्षमताशाली स्वार्थी लोग हमेशा ही जनसाधारण का सत्य से दूर रखता है, ताकि शोषण करने में आसानी हो।